अम्बाला शहर के पंचायत भवन में आज जिला कष्ट निवारण बैठक का आयोजन सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान 15 शिकायतें उनके सामने रखी गई, जिसमें से 11 शिकायतों का निपटान किया गया और 4 पेंडिंग रखी गई। इस दौरान निगम पर काम न करने के आरोप लगे और तहसील के DRO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के CMO पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने मंत्री को CMO द्वारा गुमराह बनाने की बात कही, जिसके बाद इन सभी मामलों में सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर इनका निपटान किया जाए। आज टोटल 15 कंप्लेंट्स थी, जिनमें से 11 को डिस्पोज ऑफ किया, 4 को पेंडिंग रखा नेक्स्ट मीटिंग के लिए। देखो, उसके इंक्वायरी होगी, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कर ली है, 2 बार इंक्वायरी कर ली है और उसको चार्जशीट कर दिया है। डिपार्टमेंट जो कर सकता है कार्रवाई कर दी। DRO की कंप्लेंट आ रही, उसको हमने पिछली मीटिंग में भी लिखा था और दोबारा से हम सरकार को लिखे खिलाफ कार्रवाई था। ये नहीं, सरकार की तरफ से नोटिस आने के बाद तो ट्रांसफर हो ही जाता है, ऊपर से ट्रांसफर नहीं हुई होगी। हमने लिखा था सरकार को ट्रांसफर करने, दोबारा से इसकी ट्रांसफर के लिए लिखेंगे। मैडम को मैंने कहा है दोबारा से। सर, पंचायत की जमीन को लेकर भी सर एक मसला आया। पंचायत का डिस्प्यूट आपस में क्या है कि सरपंच ने लिख के दिया है कि भाई दूसरी जगह बना लो, एक जो संस्था वो कहती है वही बनाएंगे, तो डिस्प्यूट है। उसके लिए इंक्वायरी SDM के अंदर की है और एक जो हमारा क्लियरेंसेस कमेटी का जो मेंबर है उसको भी उसमें लगाया ताकि उसका क्लियरेंस आ जाए। देखो, ऐसा है, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा है तो उसका मेरे पास भी भेजे, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, नगर निगम पे काम ना करने का आरोप करते हैं, टेंडर नहीं निभाने का आरोप हो रहा है। आज नगर निगम को आज हमने दिया आदेश, मैडम को ADC को कहा है कि इनके बुला करके इस पर कार्रवाई करें, क्यों नहीं लगाएगा, क्या दिक्कत है, उस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है। बता दें कि आज की मीटिंग में कुल 15 शिकायतें आई थी, जिनमें से 11 का निपटान किया गया, वहीं 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं, जिसका अगली बैठक में समाधान किया जाएगा। वहीं इस दौरान तहसील विभाग के DRO की शिकायत के मामले में भी सहकारिता मंत्री ने सरकार को लिखकर मामले में कार्रवाई की बात कही है। पंजाब के SU TV के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।